एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो स्किन से रिलेटेड है। आज मैंने एक रेमेडी बनाकर तैयार की है, अभी आप आगे उसको देख लीजिएगा। इसे अगर आप चेहरे पर बनाकर लगाते हैं तो चेहरे के जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं वो निकल जाएंगे सारे धीरे धीरे। आप इसे रोज़ रेगुलर यूज़ करते जाइएगा, इससे स्किन टोन जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। स्किन का कलर जो है वो भी फेयर होता है, डार्क स्पॉट्स जितने हैं वो भी निकलते हैं, रिंकल्स भी निकलते हैं। जो स्किन है वो हमारी टाइट होती है। रेगुलर बेसिस पे इसको लगाते जाएं, अगर रेगुलर ना लगा पाएँ तो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो इसे ज़रूर यूज़ करें। इसे लगाने से चेहरा हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, आप इसे देखिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इस रेमेडी के। और साथ साथ आपको मैंने जैसे कि बताया ही है कि अपनी स्किन को हेल्दी रखना है अगर, तो हमें पानी सबसे ज़्यादा पीना चाहिए। इससे स्किन की केयर भी करें बट जो पानी है, कम से कम 8 से 10 ग्लास रोज़ वाटर पिएं, हेल्दी खाना खाएं, जंक फूड ना खाएं, और उसके साथ साथ अपनी स्किन का ख्याल रखें। टाइम सिर सोएं, टाइम सिर जागें, और फिर ये ब्यूटी का भी अपना ख्याल रखें। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि स्किन को साफ़ करके लगाना है। जब भी हम कुछ भी यूज़ करें तो क्लिंजर मिल्क ले लिया मैंने, इससे हम जो है अपनी पूरी स्किन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। कोई भी मेकअप चेहरे पे होना नहीं चाहिए। जब भी हम अगर कुछ भी यूज़ करने जा रहे हैं अपने चेहरे पे तो सबसे पहले उसको साफ़ करें, तभी उसका अच्छा रिजल्ट आता है और वो अच्छे से हमारी स्किन में ऑब्जर्व होती है। अगर ऊपर मेकअप लगा रहेगा या डस्ट लगी रहेगी तो फिर अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो पहले अच्छे से अपनी स्किन को अच्छे से साफ कर लेंगे। देखिए मैंने अच्छे से अपनी स्किन को साफ कर लिया, पूरी साफ हो गई है। अब ये जो रेमेडी बना के तैयार की थी मैंने, ये आपके साथ अभी शेयर की थी, आप आगे देख लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद उसे चेहरे पे अप्लाई करेंगे। पूरे चेहरे पे इसे अच्छे से लगा लेंगे। इसी तरह से हमें पूरे चेहरे पे लगानी है, अच्छे से लगानी है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप इसकी जो मैंने अभी बनाने का जो तरीका है, इसकी जो रेसिपी है वो अभी शेयर की है आपके साथ, उसे देख लीजिएगा। इसे इसी तरह से अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लें और कम से कम 10 मिनट इसे लगा रहने दें। जब ये ड्राई हो जाए अच्छे से तब इसको अच्छे से, पहले हमें मालिश करनी है फेस की। अभी मैं आपको सूखने के बाद आपसे पूरे 10 मिनट बाद मिलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसे पैक को कैसे उतारना है। तो यहाँ पर आप इस पैक की रेमेडी देख लीजिए, मैंने इस पैक को कैसे तैयार किया था। इसमें मैंने लिया है 1 बाउल में 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर,
ये सारी चीज़ें हम इसमें अभी मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक करके। एक चम्मच चावल का आटा है ये, राइस फ्लावर। मगर चावल का आटा ना हो तो घर में जो भी चावल हो उसे पीस के ले सकते हैं आप। एक पिंच मैंने इसमें हल्दी डाली है, थोड़ा सा इसमें एलोवेरा जेल डाल लेंगे, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम, बस ज़रा सा एलोवेरा जेल लिया है मैंने यहाँ पे। अब इसमें डाल दिया एक चम्मच कच्चा दूध, रॉ मिल्क होता है ना जो, वो डालना है आपको इसमें। पका हुआ दूध नहीं डालना है, कच्चा दूध डालेंगे तभी फ़ायदा होगा। और थोड़ा सा इसमें मैंने रोज़ वाटर डाला है, गुलाब जल। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा एक चम्मच मिल्क और ऐड कर दिया है, आप ही अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमारी रेमेडी है ये बनकर तैयार हो गई है, बहुत जल्दी बन जाती है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जो घर में होते ही हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो हो गया बिल्कुल ड्राई हो गया है, 10 से 12 मिनट मुझे हो चुके हैं। अब इसको हटा देंगे। चेहरे पर हटाने के लिए पहले इसको थोड़ा सा पानी लेंगे, इसको ऐसे ऐसे मसाज करेंगे। पूरे चेहरे पे इसकी मसाज करनी है। एकदम से उतारने से ना स्किन खिंचती है, जब भी आप कोई पैक लगाएं तो उसे हल्का सा पहले रब कर लें, और डायरेक्ट अगर आप उतारेंगे या धोएंगे ना तो स्किन थोड़ी सी खिंचती है। तो हमेशा कोई भी पैक लगाएं तो उसे थोड़ा सा पहले रब करें और फिर लगाएं, उतारें। ऐसे पैक जब भी उतारेंगे ना तो इजी हो जाता है स्किन के लिए भी। वो दिख रही होगी मेरी स्किन कितनी साफ़ लग रही है। अभी मैं इसको वॉश करती हूँ फिर आप। फ्रेंड्स मैंने जो अपना पैक है वो सारा फेस पे से उतार लिया है। अब ये देखिए मेरा स्किन जो है वो कितनी अच्छी लग रही है, साफ़ लग रही है। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना फेस। ऐसे इसीलिए मैं कह रही थी कि जब भी हम अपने चेहरे पर कुछ लगाते हैं, केयर करते हैं उसकी, तो चेहरा बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आप भी इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। ये रेमेडी जो है वो बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। ये बहुत अच्छी है, आप इसे ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा चेहरे पे वीकली। जब भी आपको टाइम मिले आप इसे लगाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा अपने फेस पे फ़र्क नज़र आएगा। मैं भी इसे लगाती रहती हूँ, आप भी इसे लगाइएगा, बहुत अच्छी रहती है स्किन के लिए, हेल्दी होती है स्किन के लिए। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा आज का। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।